माप के देख के माप देखिए। नमस्ते जम्मू, मैं आपके साथ निर्भय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। इस शो के प्रस्तुतकर्ता है कमला ऑटोमोबाइल बाइक दोस्त झाझा। कमला ऑटोमोबाइल टू व्हीलर स्मार्ट सर्विसेज। आइए अपने क्षेत्र के कुछ खास खबरों पर नजर डालें। जमुई के खैरा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से मारकर बुजुर्ग को घायल कर दिया। यह मामला चांगोडी का बताया जा रहा है। घायल की पहचान चांगोडी निवासी गूटर सिंह, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के रूप में की गई। घायल को पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। NH 333 मुख्य राजमार्ग केतनपुर गाँव के विक्रम केसरी बाबा स्थान के निकट से मवेशियों से लदे 3 मैजिक वाहन को पुलिस ने जब्त कर 9 मवेशियों को बरामद किया है। वहीं मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के अनुसार गिद्धौर जमुई राजमार्ग से तस्करी हेतु मवेशियों को वाहनों में लादकर ले जाने की भनक रतनपुर के निकट स्थानीय लोगों एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दक्षिण बिहार के SFD प्रांत सह संयोजक सूरज वर्णवाल को लगी, जिसके बाद इन लोगों ने गाड़ी रोकी और इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस गाड़ी को जब्त कर आगे कागजी कार्रवाई कर रही है। मल्लेपुर थाना पुलिस ने एक गोलीकांड के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिरजी गांव निवासी आदित्य कुमार पिता अरुण सिंह के रूप में की गई थी। बताया जाता है कि आरोपी के गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सौरी सुमन के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश सुमन के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम गठन के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। बता दें कि 1 साल पहले आरोपी आदित्य ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर बीते 14 मार्च 2023 की शाम मल्लेपुर के कैवा इलाके घर में घुसकर मनीष कुमार पिता अशोक सिंह पर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हालांकि घटना में मनीष कुमार की जान बच गई थी। घटना के कारण सनकी प्रेमी का एक तरफा प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। जमुई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक मजदूर की मौत ट्रैक्टर से गिरने के बाद हो जाती है। मजदूर काम करने जा रहा था, तभी वो ट्रैक्टर से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ट्रैक्टर की स्पीड अधिक बताई जा रही है। मृतक मजदूर की पहचान विनोद मांझी के रूप में की गई है। इस हादसे में विनोद के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। मंगलवार की सुबह तेज हवा के साथ 45 मिनट में 17 mm मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को उमर भरी गर्मी से राहत मिली। दूसरी तरफ तेज बारिश से शहर अस्त व्यस्त हो गया है। सांख्यिकी विभाग के मुताबिक सबसे अधिक जमुई में 56.8 mm बारिश हुई है। कमला ऑटोमोबाइल टू व्हीलर स्मार्ट सर्विसेज।